की कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी कार्यालय के सामने फूका कांग्रेस का पुतला। कांग्रेस द्वारा कर्नाटक विधानसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात लिखे जाने का बजरंग दल ने किया विरोध। बजरंग दल के जिला संयोजक अंकित पांडे ने बजरंग दल को बताया राष्ट्रवादी संगठन। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी कार्यालय के सामने कांग्रेस विरोधी नारे लगाते हुए फूका कांग्रेस का पुतला। बजरंग दल के जिला संयोजक ने कहा, कांग्रेस के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ता गांव गांव करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। इसका मतलब होगा, मैं अंकित पांडे जिला संयोजक बजरंग दल बांदा। कांग्रेस ने मंगलवार को कर्नाटक विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें बजरंग दल की तुलना प्रतिबंधित संगठन PFI से की और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात की है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। बजरंग दल एक राष्ट्रवादी संगठन है जो आतंकवाद और लव जिहाद का विरोध करता है। कांग्रेस लगातार हिंदुत्व विरोधी कार्य कर रही है, इसलिए विरोध स्वरूप पूरे देश में बजरंग दल कांग्रेस कार्यालय के सामने कांग्रेस का पुतला दहन कर रही है। गाँव व नगर के प्रत्येक मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ बजरंग दल करेगा। हिंदुत्व विरोधी ताकतों को हम आगाह कर देना चाहते हैं कि बजरंग दल हिंदुत्व की रक्षा करने राष्ट्र विरोधी ताकतों को सबक सिखाने का काम करेगा। जय जय श्री राम। के अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन है, उनके द्वारा कर्नाटक में एक चुनावी रैली में माहौल खराब करने के लिए और बजरंग दल की तुलना जो PFI से की है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और उनकी शुद्धि आत्मा उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या कहते हैं हनुमान चालीसा का पाठ किया। और उनसे ये कहना चाहते हैं कि बजरंग दल से अच्छा कोई संगठन देश में नहीं है। देश की रक्षा के लिए, देश में क्या कहते हैं अपनी कुर्बानी देने के लिए बजरंग दल हमेशा अल्लाह रहा है और रहेगा। जय श्री राम। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें MET इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।